नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। त्योथर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरुआ के मजरा पंडापुरवा टिकुरी का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय निवासी एडवोकेट अरुणेंद्र तिवारी द्वारा बताया गया कि पूरी पंचायत में सड़क अतिक्रमण युक्त है। सड़क पर पानी भरा रहता, जिससे सड़क कीचड़ युक्त है। सड़क किनारे मवेशी एवं ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करने से आवागमन बाधित है। जो नाली का निर्माण कार्य कराया गया है, घटिया सामग्री के कारण नाली जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी। जाम है 120 कड़ी 80 कड़ी 65 कड़ी 45 कड़ी मौके पर रही है। पूरी सड़क वर्तमान समय में 20 कड़ी रह गई है। महिला सरपंच की जगह उनके सुपुत्र द्वारा पंचायत का कार्य कराया जा रहा है। आइए आपको अरुणेंद्र तिवारी की जुबानी सुनाते हैं, कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि सड़क अतिक्रमण मुक्त कब होगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। सामने जो है एडवोकेट अरुणेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। ग्राम पंचायत बरुआ ग्राम पंडापुरवा के पीसीसी और नाली निर्माण के संदर्भ में जो है बहुत घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है और वहाँ पर जो है चलना डूबा रहेगा। सर, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, ग्राम पंचायत बरुआ की क्या समस्या है? हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में यह बात पुनः डालना चाहता हूँ। मेरा ग्राम पंडापुरवा और टिकुरी टोला एक है, वहाँ पर स्थित है। इसके पहले श्रीमती कौशल्या देवी सरपंच थी, जिन्होंने 120 कड़ी 80 कड़ी 65 कड़ी 45 कड़ी गैला है पूरे में मिट्टी डाल करके, सुदूर योजना के तहत मिट्टी डाल करके पूरे गैले को अच्छे ढंग से बनवाया था। इसके बाद पूर्व सरपंच धर्मपाल सिंह के द्वारा पीसीसी सड़क बनवाई गई। इसकी उनकी डेथ होने के बाद एक भैया लाल सरपंच टोक हुए, उन्होंने नाली का निर्माण कराया। नाली गुणवत्ता विहीन थी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया गया और सिर्फ गांव की आबादी से ले जा करके अंत में छोड़ दिया गया, उसे नाले तक पहुंचाया नहीं गया, जिससे बस्ती का पूरा पानी रामा प्रसाद तिवारी के खेत में जाता था। उन्होंने जनपद पंचायत सीओ के समक्ष, जिला पंचायत सीओ के समक्ष इस बात की शिकायत की कि नाली का पानी मेरे खेत में आता है और उसे आगे नाले तक जुड़ी जाए, किंतु किसी ने सुना नहीं और उनके द्वारा नाली को पूरी तरह से पाट दिया गया और पानी की दिशा सड़क में दे दी गई। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि पूरी तरह से जो जल भराव है वो सड़क में रहता है, मिट्टी गीली हो गई है, कीचड़ हो गया है, आने जाने में लोग गिरते हैं, पूरी तरह से व्यवधान है और नाली एकदम से जाम कर दी गई है। सरपंच कौन है इस समय? सरपंच या इस समय वहाँ पर वो स्वर्गीय धर्मपाल सिंह की पत्नी है, महिला है। सचिव कौन है? सचिव अभी नियुक्त हुए हैं राज बहादुर यादव चंदई के। रोजगार सहायक वहाँ पर कुनिया गहरवार की ही है, महिला है। मतलब व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में व्याप्त है। और कई बार निवेदन किया गया कि आप उस नाली को आगे बढ़ा के नाले तक कर दीजिए। ग्राम वासियों के द्वारा, अब जो मैं पहले निवेदन कर रहा था कि सड़क बनवाई गई थी, उस समय उप सरपंच श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी थे, उन्होंने बनवाया था पूरी तरह से। जिनके खेत अगल बगल हैं उस सड़क को काट करके खेत में मिला दिया गया। 80 कड़ी 120 कड़ी गैला को 30 कड़ी मिला दिया, 30 कड़ी कर दिया गया। इसके बाद फिर कटीले जारों उसे रूम दिया गया। फिर उसके बाद ट्रैक्टर ट्राली खड़ी की जाती है। शासन प्रशासन से क्या कहना है? शासन प्रशासन से मेरा यह कहना है कि सबसे पहले वहाँ सड़क में जो गोबर फेंका जाता है, खूंटा गाड़ करके जानवरों भैंसों को बांधा जाता है और ट्रैक्टर ट्राली खड़ी की जाती है, उसको हटाया जाए। और दूसरा मांग ये है कि जो नाली है उसको नाले तक पहुंचाया जाए, ताकि जो पानी जा रहा है उनके खेत में ना जाए, वो सीधे नाले में चला जाए, तो सड़क में पानी का भराव ना हो, अतिक्रमण हटाया जाए, नाली को आगे बढ़ाया जाए और जो गैला का निर्माण है वो समुचित तरीके से कराया जाए। क्योंकि अभी भी मेरे पंचायत में 18 लाख और कुछ रुपये है
लेकिन उसका कहीं से कहीं तक कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, और सरपंच महिला है, उनको कभी भी ग्राम में जाना नहीं है, ना ग्रामीणों की समस्या को सुनना है, ग्रामवासी उनको कभी देखे ही नहीं है, उनके बेटे के द्वारा उनका काम किया जाता है, जिस पर अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति उठाई है कि जो महिला जन प्रतिनिधि हैं उनके पति या उनके बेटे उनको पूरी तरह से कैद कर रखे हैं और स्वयं जो है आगे कार्य कराते हैं। तो महिला प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, वो कभी गांव में जाती ना किसी कोई आप कोई अपनी आवेदन या आपत्ति उनसे कहने जाता है तो उनसे मुलाकात भी नहीं होती है, उनका बेटा रहता है, वो बोलते हैं बेटा जाने। तो वर्तमान स्थिति ये है कि पूरी तरह से गैले का अतिक्रमण किया गया है, नाली को भर दिया गया है, आने जाने में काफ़ी व्यवधान हो रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि नाली को आगे बढ़ाएं तथा जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराएं ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो।